छतरपुर में 4 जून को होने वाली लोकसभा सीटों की मतगणना की तैयारी प्रशासन ने पूरी कर ली है। जिला कलेक्टर संदीप जिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि जिले में 3 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें लोकसभा टीकमगढ़, लोकसभा खजुराहो एवं लोकसभा दमोह है, जिनमें कुल मिलाकर के विधानसभा वार मतगणना होगी। इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी करते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर रखे हैं। सर, किस तरह से तैयारी मतगणना को लेकर की गई है, क्या व्यवस्था? जो वर्तमान में ऑलरेडी 3-tier सिक्योरिटी हमारे यहाँ प्लेस पे है। फर्स्ट टायर सिक्योरिटी में जो स्ट्रांग रूम के, फर्स्ट टायर में सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्सेस के टीम्स हैं। सेकंड टायर में SAF का जो स्टेट आर्म फोर्सेस के टीम है, और थर्ड टायर में अपने पुलिस टीम तैनात है। और स्ट्रांग रूम्स के डेली विजिट होते हैं DO और SP द्वारा, कि ये चेक करने के लिए कि कहीं कोई इशू तो नहीं हो। और डिस्प्लेड भी है ताकि पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स, अपने एजेंट्स उसको कॉन्स्टेंटली देख भी सकते हैं कि CCTV के थ्रू, कि कोई EVM के साथ कोई भी इशू ना हो। स्ट्रॉन्ग रूम का सैनिटी मेंटेन्ड है। काउंटिंग डिसाइडेड है जून 4 को 8 बजे सुबह से यहाँ पे शुरू होगी, और हमारे यहाँ पे 16 से लेके 18 राउंड में कंप्लीट होंगे, जो हमारे 6 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के 6 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जब काउंटिंग होगी तो उसमें ये डिसाइडेड है। तो कैंडिडेट, अपने एजेंट्स, काउंटिंग एजेंट्स की IDs जो है ARO के द्वारा इशू की जाएंगे। कोई भी मोबाइल फ़ोन काउंटिंग हॉल्स में अलाउड नहीं रहेंगे, एक्सेप्ट फॉर दी ऑब्जर्वर। तो इसका भी सभी को इंटीमेट किया गया है। आज पॉलिटिकल पार्टी के साथ हमारा मीटिंग भी हुआ सुबह, उनको भी ये सारे ECI के दिशा निर्देश बताया गया है, और उसी संबंध में पूरी तैयारी है। पार्किंग की व्यवस्था और एंट्री की व्यवस्था, क्योंकि बिजावर और बड़ामले के एंट्री गेट नंबर 1, एक्सेलेंस स्कूल नंबर 1 के गेट नंबर, ये जो अपने स्पोर्ट्स स्टेडियम के गेट के पास होगा, और शेष 4 विधानसभा का एंट्री हमारे यहाँ पे नंबर 2 के यहाँ से होगी। और इसको भी सभी को इन्फॉर्म किया गया है, मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं है, तो सभी लोग कोई भी मोबाइल फ़ोन पर्टिकुलरली ना लाए, फिर दिक्कत होती है कि वो उनको कहाँ प्लेस करे इत्यादि का। तो सभी से अनुरोध भी है कि मोबाइल फ़ोन्स हम लोग ना लाए, ओनली मीडिया कर्मियों के लिए, जो मीडिया सेंटर तक ही मोबाइल फ़ोन्स अलाउड रहेंगे। और मीडिया सेंटर एक्सेलेंस स्कूल नंबर 2 में किया गया है प्रावधान, और इसी संबंध में आज का आपका ब्रीफिंग भी था और आज का मीटिंग भी था।